Further talking about resolving the ethical issues, in this module, we are going to look the informal resolution of ethical violation as a subcategory. When psychologists face ethical violation by other psychologists, they should attempt to resolve the issue by bringing it to the attention of that individual. And if an informal resolution appears, like informally koi samajh aa raha situation mein ki resolve ho sakti hai? एंड द इंटरवेंशन डज़ नॉट वायोलेट एनी कॉन्फिडेंशियलिटी राइट डेट मे बी इन्वॉल्व तो हमें उस सिचुएशन को फॉलो करना चाहिए अगर इनफॉर्मल रेजोल्यूशन हो जाती है तो ठीक है अदरवाइज़ अगर इनफॉर्मल नहीं हो सकती कोई ऐसा डिस्प्यूट अरज़ हो गया है जहाँ पर हमें उसको फॉर्मली ही रिजॉल्व करना होगा जहाँ हमें कॉन्फिडेंशालिटी को मे बी ब्रेक करना होगा जहाँ मे बी हमें कोई सर्टन काइंड ऑफ डिसप्शन यूज़ करनी होगी तो वहाँ पर

बी अवेलेबल टू डेट कमेटी प्रोसीडिंग्स एंड रिजल्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए पी ए और एनी एफिलियटेड साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जैसे पी पी ए है वी पी ए है आई सी पी है जिससे भी आप बिलोंग करते हैं तो एथिकल सिचुएशन की uh, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टरज हो जाता है तो वन नीड टू बी अवेलेबल टू डोज बॉडीज जहाँ पर वो जाकर अपने इस एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व कर सके इन डूइंग सो दे मे एड्रेस एनी कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज़ फेलियर टू कॉपरेट इट इट सेल्फ ऑन एथिकल वायोलेशन अगर हम uh, किसी भी कमेटी के सामने प्रजेंट होते हैं और किसी केस के बारे में कोई डिस्कशन करते हैं वहाँ कॉन्फिडेंशलिटी ब्रीच होने का थोड़ा सा इशू होता है लेकिन वहाँ पर कॉप्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इफ़ द मेटर इज ग्रेव एनफ एंड वन नीड टू बी रिप्रजेंटेड ट्रू सिचुएशन तो वहाँ ये बहुत ज़रूरी है Uh, mentioning about some uh, recent cases where uh, young women is beheaded. bahapar uh, therapy institutions ke upar ye question they have given a, a certain kind of certification to the murderer that he is a, a certified uh, therapist and he can give counseling and therapy to different people. now this situation ke andar, the first question goes to that therapy institution. you know a certification thi and they दे हैव टू बी ओपन टू द अदर पीपल कि उनकी सर्टिफिकेशन क्या हैं उनके मॉड्यूल्स क्या हैं और जो इंडिविजल है आ इधर उसको कोई जो है वो सर्टिफिकेशन दी गई थी या नहीं दी गई थी सो ऐसी सिचुएशन में कॉन्फिडेंशियलिटी uh, जो है वो ब्रीच करनी पड़ती है जब कोई मैटर सेंसिटिव और ग्रेप होता है हाउ एवर मेकिंग आर रिक्वेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एज एजुकेशन

आप कुछ भी प्रूफ ना कर सकें तो इफ़ अ पर्सन इज गोइंग टू से समन एंड एथिकल अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी की डिग्री फेक है इफ़ यू आर क्लेमिंग कि इसको थेरेपी uh, का डिप्लोमा जो इसने लिया है दैट इज़ फेक इनफ तो यू शुड हैव सर्टेन प्रूफ अदर देन अगर हम किसी भी रिस्पेक्टेबल इंडिविजुअल को ये फॉल्सिफाई थिंग्स क्लेम कर रहे हैं और हम उसे प्रूफ नहीं कर सक रहे तो वो इट्सल्फ जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट कर रहा है वो उसके लिए एक बहुत बड़ी कंप्लेन बन जाती है दैट ही इज एन अनएथिकल पर्सन हु इज ऑब्जेक्टिंग अदर परसन तो साइकोलॉजिस्ट शुड बी वेरी केयरफुल वाइल यू नो इंडिकेटिंग सम वन एज बींग मेल प्रैक्टिस जब तक उनके पास कंप्लीट प्रूफ ना हो अनदर थिंग इज अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कंप्लेन्स एंड रिस्पॉन्डेंस साइकोलॉजिस्ट शुड नॉट डिनाई पर्सनस एम्प्लॉयमेंट एडमिशंस टू एकेडमिक एंड अदर प्रोग्राम्स और प्रमोशंस बेस्ड सोल्ली अपन देयर हैविंग मेड और बीग द सब्जेक्ट ऑफ एन एथिकल कंप्लेन लेट्स ए कि अगर एक इंडिविजल की कोई एथिकल कंप्लेन आई है उसकी बेसिस पे आप जब तक कोई केस डिस्कस नहीं हो जाता जब तक उसका कोई रिजल्ट प्रूफ नहीं हो जाता कि प्रमोशन नहीं रोकी जा सकती उसकी अपग्रेडेशन नहीं रोकी जा सकती की इंप्लायमेंट नहीं रोकी जा सकती तो किसी सर्टन इंस्टीट्यूशन में कोई काम करने से नहीं रोका जा सकता बिकॉज ये सब चीजें यह कम्पलेन जिस वक्त तक कोई कंप्लेन अरेज हुई वो प्रूफ नहीं हुई तो उस वक्त तक वो इंडिविजुअल जो है ही इज कंसिडर्ड टू बी इनोसेंट और वो अपनी प्रैक्टिस जो है अपना काम जो है अपनी वर्क प्लेस अपना एडमिशन उसको सस्टेन रख सकता है